हेलो मेरे दोस्तों दोस्तों आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल लड्डू। फ्रेंड दिन में एक बार खाओ पूरा दिन फिट रहोगे। चलो फिर बनाते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी का, फिर हम डालेंगे एक कटोरी बादाम की, इनको हम हल्का सा ना रोस्ट करेंगे, फिर डालेंगे एक कटोरी अखरोट की। फ्रेंड फ्लेम को हम स्लो रखेंगे और इसको भी हम थोड़े के टाइम के लिए ना रोस्ट करेंगे, और इसके ऊपर डालेंगे हम एक कटोरी काजू की और इनको भी थोड़े के टाइम के लिए रोस्ट करेंगे। फिर हम इनको ठंडा होने के लिए ना एक प्लेट पर निकाल कर रख लेंगे, और जब ये थोड़े से ठंडे हो जाए ना फिर हम इनको दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। आप मिक्सिया में भी कर सकते हो लेकिन हम चॉपर में करेंगे। फ्रेंड इससे ना टाइम तो ज्यादा लगता है लेकिन अच्छे से ना चॉप हो जाते हैं। और फिर हम इसी कढ़ाई में डालेंगे एक कटोरी खसखस। फ्रेंड हम जो भी चीजें डालेंगे ना इनको हम थोड़ा थोड़ा रोस्ट करते जाएंगे। पहले हमने खसखस रोस्ट कर ली, फिर हम रोस्ट करेंगे मग्स, इनको भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम कोकोनट का बरादा, इनको भी हम रोस्ट करेंगे, और फिर एक कटोरी दाख को डालेंगे और इनको भी हम हल्का सा ना रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम दरदरा सा ड्राई फ्रूट का मिक्सर, और फिर हम लेंगे एक कटोरी खजूर की और इनको भी हम बारीक काट लेंगे अच्छे से। और फिर हम उसी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच देसी घी डालकर ना खजूर को मेल्ट करेंगे, फिर हम डालेंगे मिक्सर पर और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम लेंगे एक पेसी गुड़ की और इसको भी हम बारीक काट लेंगे अच्छे से। फ्रेंड जो ये कटिंग वाला प्रोसेस है ना वो आपने पहले करके रख लेना है खजूर और गुड़ को अच्छे से काट कर। और फिर हम दोबारा से वही कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी का। और फ्रेंड इस कढ़ाई को हम साफ नहीं कर रहे क्योंकि देसी घी का यूज किया है ना इसमें पहले, और देसी घी वेस्ट हम नहीं करते, औकात नहीं है ना। और फिर हम डालेंगे बारीक गुड़, इसको हम मेल्ट होने देंगे। जब इसका तले चेंज हो जाए ना फिर हम डालेंगे इसको मिक्सर पर और इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे। सो फाइनली हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्रेंड अब हम इस मिक्सर के ना लड्डू बनाएंगे। और फ्रेंड आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने इस मिक्सर को ना ठंडा नहीं होने देना है वरना लड्डू नहीं बनेंगे, आपस में नहीं जुड़ेंगे। और फ्रेंड जी हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। फ्रेंड इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड फैमिली के साथ, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।